भारतवर्ष प्राचीनतम सभ्यता की एक अद्भुत मिसाल, जिसने अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमताओं से मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। युवाओं का यह देश संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर आगे बढ़ने को तत्पर है। इसके लिए सबसे प्रभावी पहल वर्किंग फोर्स तैयार करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्किल एंटरप्रेन्योरशिप की परिकल्पना की गई, जिसका मूर्त रूप प्रोजेक्ट प्राइड है। इसके जरिए युवा अपनी मेहनत और लगन से जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन रहे हैं। यह NSDC, स्किल इंडिया और बॉस इंडिया की एक नया पहल है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है विश्व युवक केंद्र। तो आए देखते हैं प्रोजेक्ट प्राइड लॉन्चिंग सेरेमनी की कुछ खास झलकियां। फ्रीलांस ट्रेनर्स हैड रियल चैलेंज ड्यूरिंग कोविड when many of the companies, many of the businesses were not working and they were also not getting any kind of a livelihood, we thought, why don't we find a solution, devise a training program for these freelance trainers to train them, to help them and handhold them to start their own skilling centers. So instead of becoming the job seeker, they become the job giver. So that is the whole purpose of this Pride program. Ye model theek disha mein chal raha hai, बीच बीच में ट्वीक्स तो होते जाएंगे कि जो कंसेप्ट है कि यूनिवर्सिटीज के साथ हाथ में लाया जाए, मास्टर ट्रेनर्स बनाए जाएं, वो हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन करें ताकि ये टीचर्स फर्स्ट बैच का ही सक्सेसफुल अच्छा पाएं। वी शुड सी दिस सक्सेसफुल एंड इट विल बी आवर जॉब विद ह्यूमिलिटी टू गेट मेनी मोर कॉर्पोरेट्स विद देयर ओन ब्रांडिंग कमिंग फॉरवर्ड सो दैट we can fulfill the most important part of multiplication and sustainability. Skill India to aaj hamare pradhanmantri ka sapna hai aur youth ke liye sabse badi chunauti hai. Aaj humko 2-3 decades mein agar developed country banni hai to it is the youth and only the youth which will take the country forward. Isme koi shak nahi hai. The 100 numbers given, I think that is just beginning, and the vision for 1 lakh the entrepreneurs to start the skill centers is not far away. आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकारी तंत्र, औद्योगिक जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं समेत समस्त स्टेक होल्डर्स अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पूर्ण रूपे निर्वाह करते हुए कौशल भारत, कुशल भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसे साकार करेंगे। परिणाम स्वरूप इस महान राष्ट्र का बीता हुआ कल जितना गरिमामयी और गौरवशाली रहा है, आने वाले कल का निर्माण उससे भी बेहतर और स्वर्णिम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।